और मुझे तो आज 30 साल हो गए काम करते हुए, मैं मना नहीं कर सकती हूँ कि रोड नहीं बनी बिलू राणा कॉलोनी को मैंने बसवाया पूरा। आपने बसवाया? हाँ मैडम का फोटो खींचो। हाँ फोटो खींचो। हाँ मूर्ति लगाई है। मेरे को बताइए कि शहर का जनता पार्टी शहर का खेवनहार कैसा होना चाहिए? विधायक ऐसा होना चाहिए जो मारा ना पड़ता, आपका अपमान नहीं करे। भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी किसी भी धर्म की राजनीति नहीं की। इसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं कि वार्ड नंबर 7 हुआ करता था, पहले बाबूलाल जी कटारा वहां के पार्षद थे, उस खड्डे के अंदर 70 लाख रुपए का काम कराया, जहां पे भारतीय जनता पार्टी को 7 और 17 वोट मिले। विधायक उदयपुर का युवा होना चाहिए और जो सबको साथ लेके चल। युवा की परिभाषा बताओ मेरे को। युवा 50-55 साल का। 50-55 साल का युवा होता है? हाँ। तो फिर उन्हें युवा मोर्चा में भर्ती कर दे। युवा मोर्चा में भी ले सकते हैं। आपने उनका नारा क्यों चुराया? उन्होंने नारा वो मेरा उदयपुर चुरा सकते, मैं उनका नारा नहीं चुरा सकता क्या? लड़ने के लिए नहीं, क्षेत्र का विकास हो, इसलिए हम एकत्रित हुए, चर्चाएं करें, आराम से करें। ये दादागिरी ने बताए और आराम से प्रश्न का उत्तर प्रश्न से दें। लड़ने के लिए हम एकत्रित नहीं हुए, हम आप दूसरे के भाई हैं और जो नेता बनेगा वो ऊपर जाके वो कमाएगा, हम तो जहां हैं वहीं रहेंगे। कैसा होना चाहिए विधायक उम्मीदवार? विधायक तो कांग्रेस का अभी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, इतनी हालत खराब करेगी। अशोक गहलोत ने कोई इंडस्ट्री नहीं चल रही है, कोई कुछ नहीं चल रहा है, सब फुकट में माल दे दे के सारे देश राजस्थान का भट्टा बिठा दिया है। फ्री फ्री बांट के वोट के पीछे फ्री बांट के देश को बर्बाद कर रहे हैं। मैं यही कहना चाहता हूँ, मोबाइल फ्री में दो, राशन किट दो, सब दो गरीबों को। बहन बेटी के नाम की सुरक्षा क्यों नहीं कर पाई गहलोत सरकार? हमारे संगठन सर्वोपरि की परिपाटी है, जिसको संगठन भेजेगा हम उसका काम करेंगे और लाखों वोटों से जीता के जयपुर भेजेंगे। लाखों वोटों से? जी। अरे वोट 2.5 लाख ही है दादा। 2.5 लाख है तो 1.5 लाख को जीतवाऊंगा, 100% वोट लावांगा मात्र। हाँ बता, जमानत जब्त करेंगे कांग्रेस वाले 1.5 लाख वोटों जीतेगी, जमानत जब्त करेंगे। शहर का विधायक वो होना चाहिए जो सभी को साथ लेके चले, गरीबों के कल्याण करे, सभी को साथ लेके चले। ऐसा कैसा विधायक? ऐसा होना ही चाहिए महाराज। आप मिथुन दारे के फेल हो गया? फेल तो हम जनता के हैं, फेल तो हम। आप आनंद लेने आए हो कि जल संवाद कराने आए हो? विधायक कौन होना चाहिए जो सब का भला करे, सबको साथ लेके चले, और वो सिर्फ बीजेपी वाले कर सकते हैं। हर कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी गुलाम कटर है जो इनकी जमानत जब्त करके मानेगा वहां पे। भाई साहब ने बहुत अच्छी बातें बोली कि मैं आने वाले बात में ऐसा सोचता हूं कि ऐसा करूंगा। हम सवाल ये कर रहे हैं कि आकलन होता है पिछले पे, आने में आप करेंगे बहुत खुशी की बात है अगर आप आएंगे तो। मैं ये कह रहा हूँ कि आपने 20 साल राज करा यहाँ पर विधायक पे, तो ये काम नहीं हुए, इसका मतलब ये मानते हैं कि ये कमी है। अरे अभी भाई कह रहे थे कि उस वार्ड में 57 लाख का काम हो गया, मेरे वार्ड में छोड़ के मैंने आसपास वार्डों में पीछे पड़ के 80 लाख रुपए के काम गुलाबचंद जी कटारिया से करवाए। ये क्या एबिलिटी होनी चाहिए? ये यूं एक दूसरे पे आरोप करने से कोई काम पास नहीं होता है, वहाँ जाके खपाना पड़ता है। पर इनका योगदान क्या है जो इनको चेयरमैन बनाएंगे? ये 30 साल इन्होंने क्या दी दिया कांग्रेस को? एक विधायक सांसद बोर्ड कुछ भी नहीं, ये जीरो है। गहलोत साहब की नजर में उदयपुर कांग्रेस जीरो है, क्यों इनका कोई योगदान नहीं? साई कपूर सिंह बात कर रहे हो आप? मैं कह रहा हूँ साई कपूर सिंह में, मैं कह रहा हूँ वहाँ बोल के मदन सर सुनिए, मेरी बात सुनो, खोखली बात मत करो, झूठ मत बोलो, लाइट चालू है रोड पे, चलो कब्रिस्तान में नहीं है लाइट, मैं जानो नहीं है कब्रिस्तान के रोड पे बोल रहा हूँ, चालू है लाइट, चालू है, चालू है, चालू है, झूठ मत बोलो, चालू है, चालू है, आप सम्मान करो नागरिक का। जिंदाबाद जिंदाबाद।
निकम्मी है, वो सरकार बदल ली है। जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदल ली है। आओ भाई साहब, नारा मैं लगा लूं, मैं लगा दूं नारे। उनको भी नारा लगाओ। कांग्रेस, बीजेपी, कांग्रेस, बीजेपी, कांग्रेस, बीजेपी। अब हो गया, हमारा नहीं होते हुए भी विकास हो रहा है लोगों का। 0% आपको कुछ समझ में एक बात बताओ, युवा मोर्चा का जिला अध्यक्ष है क्या? है भाई साहब, बिल्कुल है। आपको अभी कार्यवाहक जिला अध्यक्ष बनाया है भाई? युवा मोर्चा का हर कार्यकर्ता जिला अध्यक्ष है, हर कार्यकर्ता जिला अध्यक्ष है। पार्टी युवा मोर्चा का जिला अध्यक्ष कोई पद नहीं है, एक दायित्व है। और मैं कह रहा हूँ कि हर कार्यकर्ता जो युवा मोर्चा से जुड़ा हुआ है वो जिला अध्यक्ष है। जिला अध्यक्ष है, बिल्कुल सर। चलिए ठीक है, आप बताओ भाई साहब। मैं तो सर यही कहना चाहूंगा, जो सरकार कोई भी हो, भले गुलाब जी हो या भाजपा हो या कांग्रेस हो, जो भी यहाँ हो रहा है, पेट्रोल के दाम बढ़े हुए, जो गरीब बेचारे परेशान हो रहे हैं, ठीक है, ये पेट्रोल 109 रुपए का 170 रुपए लीटर था, अभी कौन केंद्र बढ़ा रही है? गहलोत सरकार बढ़ा रही है, गहलोत सरकार बढ़ा रही है ये, ठीक है। जब मेरी बात सुनो, बोलूंगा, बोल रहा हूँ मैं तो, ये पेट्रोल के दाम बढ़ा रहे, हर एक चीज के दाम बढ़ा दिए। मेरे को ये बताओ, अभी तक किसी चीज का दाम कम है तो बता दो। टमाटर 200 रुपए किलो कर दिए थे, इसने क्या कर लिया था? अब हुए गरीब ने भी खाए थे। पहले मेरे को एक बार बताओ, जब 10 रुपए किलो टमाटर देते तो तुमने क्या 4-4 किलो खाते थे? मैं 50 किलो खाता था, 50 किलो खाता हूँ यार भाई साहब। मेरी बात सुनो, 25 रोटी रोज की खाता हूँ, जब इतना मोटा हूँ, बीजेपी के चक्कर में खा रहा हूँ, मोटा कर रही है बीजेपी। नमस्कार, मैं मयूर अलवेला और आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज का खास कार्यक्रम जनता दरबार, जो सच के पूरी तरह से है तैयार। और मल्ला तलई में आज हम अपना मुकाम लेकर आए हैं, जनता दरबार यहां सजा है और जानेंगे जनमंच के माध्यम से कि जन नेता की और जनता की क्या है पुकार, कैसा होना चाहिए नया खेवनहार, क्या होंगे भाई साहब या होगी दीदी, क्योंकि शहर के ये वो वार्ड हैं जो झीलों के किनारे बसे हुए हैं। आज भी यहाँ पर कुनबे तो बढ़ गए, परिवार बढ़ गए, पर निर्माण के लिए इन्हें परमिशन लेने की आवश्यकता पड़ती है, पर कुछ रसूखदार दिल्ली और जयपुर से परमिशन ले आते हैं और उनके निर्माण कार्य हो जाते हैं। होटलों के कार्य बड़े पैमाने पर यहाँ हुए हैं, पट्टों की यहाँ समस्या है। क्षेत्रीय पार्षदों से भी जानेंगे, जनप्रतिनिधियों से भी जानेंगे और जनता से भी जानेंगे क्या है समस्या और क्या होंगे उनके समाधान। तो पूरा कार्यक्रम आप देखिएगा जनता दरबार का, और कार्यक्रम की शुरुआत मंडल अध्यक्ष जी से करेंगे। राजेश जी वैष्णव साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो चैनल पे स्वागत है आपका। इतना बड़ा एरिया है और बिल्कुल शहर परिकोट से लगता हुआ एरिया है, और ऐसे के अंदर बड़े पैमाने पर समस्या पट्टों की भी है और साथ में निर्माण के लिए बार बार जो परमिशन लेनी पड़ती, क्योंकि झील के किनारे हैं, रसूखदार तो परमिशन ले आते हैं पर गरीब आदमी अभी भी उनसे वंचित है। नहीं, ऐसा नहीं है। हर वार्ड में पहले कच्चे मकान थे, वो भी पक्के बन चुके हैं। बहुत सी जगह मास्टर कॉलोनी में परमिशन मिलना चालू हो गई है। हमारे खुद पार्षद लोकेश जी कोठारी को पहले परमिशन नहीं मिल रही थी, अब परमिशन मिल गई है। झील किनारे से जो था वो 100 मीटर वाला दायरा था, उसको कम कर दिया है। और रसूखदार तो अब दिल्ली से ला रहे हैं, दिल्ली से भी ला रहे हैं और जयपुर से भी ला रहे हैं परमिशन। उसमें कोई क्या कर सकता है? लीला बनी है तो बिना परमिशन तो बनी नहीं है। अरविंद सिंह जी कोई काम चलाते जग मंदिर में तो बिना परमिशन तो कोई काम करते नहीं है, सारे परमिशन लेके ही आ रहे हैं। पहाड़ों पे भी बनी रही होटल, नहीं परमिशन मिल रही, किसने कहा नहीं मिल रही है? पट्टे मिल रहे हैं, अभी पट्टे दे रहे हैं। लोगों की समस्या से अवगत हुए जब आपसे बात कर रहे हैं इस विषय में? देखिए, समस्या तो जीवन भर खड़ी रहेगी, आदमी कभी 100% संतुष्ट हो नहीं सकता जी। आप कच्ची बस्तियों की हालत देखें, पिछले 10 साल पहले की हालत देखें, अभी की हालत देखें, एक एक कच्ची बस्ती में पक्की रोड बन चुकी है, नालियां बन चुकी है, लाइटें लग चुकी है, क्या कमी है? और भी अभी भी वर्तमान में वार्ड नंबर 9 में अभी गिरीश जी के वार्ड में हमारे विधायक मस्त है, पनगढ़ का उद्घाटन इन्होंने किया है, और एक सीसी रोड भी बनने वाली है, उसका उद्घाटन हम करेंगे।
तो ऐसा नहीं है, हमारे विधायक जी ने कभी भेदभाव नहीं किया, कांग्रेस बीजेपी कभी नहीं किया, जीतने के बाद वो पूरी जनता के हैं। हर वार्ड में काम चल रहा है, कौन से वार्ड में काम नहीं चल रहा है अभी मेरे पास पूरी लिस्ट है, मैं आपको बता सकता हूँ कितने लाख के किस वार्ड में काम चल रहे हैं। वार्ड नंबर 9 में 52 लाख के काम पास हुए हैं जी। इस तरीके से हर वार्ड में काम चल रहा है, ऐसा होना चाहिए नया खेवनार, क्योंकि भाई साहब अब राज्यपाल बन चुके हैं। भाई साहब आओ, दीदी आओ, भारतीय जनता पार्टी का खेवनार आएगा यहाँ पे, और भारतीय जनता पार्टी में कोई नेता नहीं आता है, कार्यकर्ता आता है। पर अब तक जो कार्यकर्ता थे तथा कथित कार्यकर्ता अब सभी नेता बन गए हैं। नेता तो बनेंगे, किसकी इच्छा नहीं होती है मैं मुखिया बनूं, बनने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन जब घोषणा हो जाएगी हमारे में से किसी की भी, उसके बाद में सभी एक है। आज तक बीजेपी ने कभी ओबीसी फ्रंट नहीं खोला, और आप भी ओबीसी का बड़ा चेहरा है, क्या आप पे भी दाव खेल सकती है बीजेपी? हमारा तो भारतीय जनता पार्टी का सिंबल लेके आएगा ना, वो हमारा विधायक है, वही हमारा सांसद है। आपकी भी तो कुछ महत्वाकांक्षा होगी। महत्वाकांक्षा रखनी नहीं चाहिए जीवन में, तो आप कह रहे हो सबकी महत्वाकांक्षा ना ना रखना चाहिए, दावेदारी रखनी चाहिए, 100% रखनी चाहिए, लेकिन टिकट मिलने के बाद हम सभी एक है, हम लड़ाएंगे नहीं। चलिए, हम बाहर के आओ अंदर के आओ, हमारा भारतीय जनता पार्टी का चेहरा होना चाहिए। चलिए ठीक है जी। गिरी जी भाई साहब, आपके वार्ड में विधायक मत से काम हुए हैं? बिल्कुल, मेरे वार्ड में विधायक मत से एक पनघट और 9 लाख का काम हुआ है। भाई साहब जैसा बता रहे, विधायक साहब के लिए ताली भजवा दीजिए। बिल्कुल, पूर्व विधायक के लिए बहुत बहुत ताली, बहुत बहुत मेहरबानी उनकी, कि लोगों की प्यास बुझाने के लिए उन्होंने पानी की व्यवस्था की। और मैं कह रहा हूँ, हालांकि उनके मुंह में जीरा है, फिर भी हम जीरे से भी खुश हैं, क्योंकि पास वाले वार्ड में वो 52 लाख रुपए नगर निगम और सब खर्च करता है, और मेरे वार्ड में मात्र 10 या 12 लाख। बीआईटी का लगता है ना, फिर भी किया है। मेरी बात तो मेरी बात सुनो, ये मेरी बात सुनो, यूआईटी में आ रहा, फिर भी किया है। आप सोचो सही, बिल्कुल मैं कह रहा हूँ, ये भेदभाव क्यों, ये भेदभाव क्यों, आप दूर के रिश्तेदार हैं, फिर भी आपको जायदाद में हक दिया है। मैं क्या कह रहा हूँ, ये हमारे साथ अन्याय क्यों, जब पड़ोसी के घर में तो आप 52 लाख के काम करा रहे हो, हमारे साथ क्यों, क्या वो जनता, क्या वो जनता उनकी नहीं थी? पार्षद पार्षद अलग पार्टी के होते हैं, पर जनता तो उनकी थी, सांसद उनके, उनको मत से सबसे साथ न्यायपूर्वक सबके साथ समानता से करना चाहिए था। चलिए अब एक बार बताएं, शहरी या बाहरी, क्योंकि कांग्रेस की सबसे बड़ी लड़ाई यही है। बाहरी तो जहाँ है वहीं ठीक है, और जो हमारे एक नए नेता रोज बड़े बड़े पोस्टर लगा रहे हैं, माननीय गौरव वल्लभ जी, गलतफहमी निकाल दे, मेवाड़ में जनता है, नेता है, कार्यकर्ता है, और हम मिलके लोकल स्थानीय नेता को चुनेंगे और विधायक बनाएंगे। आपने भी दावेदारी करी, आपने उनका नारा क्यों चुराया? उन्होंने नारा, वो मेरा उदयपुर चुरा सकते, मैं उनका नारा नहीं चुरा सकता क्या? उनका क्या लेना देना उदयपुर में, उनका गली कोचे जानते क्या? खाली कहते मेरा ससुराल है, अरे ससुराल तो तुम्हारा नजर कहाँ है, हमें क्या लेना देना? आप मेरे बेचारे भोली भाली जनता के साथ घूमो, हमारे साथ कब खड़े रहे? हम जनता के लिए संघर्ष कर रहे, हमारे साथ खड़े रहे, वो पैसा पूछो सही उनसे, वो मेरा नाम भी नहीं जानते। हम नगर निगम में 20 पार्षद, 20 के नाम गिना दे, मैं मेरी जवाबदारी आज हटाने को तैयार हूँ, फेस टू फेस करो तो उनसे। चलिए ठीक है सर। मदन जी दवे भी हमारे साथ हैं सर, कैसा होना चाहिए नया खेवनहार? खेवनहार तो अच्छा होना चाहिए, जो कार्यकर्ता को काम आए। नाम सुझा दीजिए। नाम तो देखो, जब भी जिसको भी टिकट मिलेगा उसको हम काम करेंगे, हमारे अंदर कोई लड़ाई नहीं है। लड़ाई तो हमने देखी अपनी आंखों से। कब देखी? अभी पार्टी में पूर्व पार्षदों की मीटिंग हुई, तब भी लड़ाई हुई। कोई लड़ाई नहीं हुई। रविंदर जी ने चोरी छुपे 10 नाम भेज दिए। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कोई बात, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, नहीं हुआ भाई साहब, नहीं हुआ, नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। ऐसा आपके पार्षद सत्याशी मनोहर जी ने प्रमाणित कर सकते हो क्या कि ये हुआ? इंटरव्यू है मेरे पास, कोई इंटरव्यू नहीं है, ये तो कोई इंटरव्यू नहीं है, गलत बात है ये, हम सब एक है, और जिसको टिकट मिलेगा उसको 30,000 वोट से जिता के जयपुर भेजेंगे, ये वादा है। कांग्रेस की जमानत जब्त होगी, वोट से जिताएंगे उदयपुर से। अरे हिदायतुल्ला जी, हिदायतुल्ला जी, मॉडर्न युग के गांधी हैं आप, आज भी कांग्रेस की विचारधारा को गांधीवादी तरीके से आपने जिंदा रख रखा है। हमने कई दफे आपके आंदोलन देखे, सत्याग्रह भी करा आपने वार्डवासियों के लिए, इसके पीछे क्या सोच रही? क्योंकि नेता अब लिबास बदलने लगे, पर आज भी आप उसी पैटर्न पर कायम है, कांग्रेस के ओरिजिनल पैटर्न पर। ओरिजिनल पैटर्न तो वही है जिसने देश को आजाद कराया जी। हमारा जो मेवाड़ है ये इसने कभी गुलामी नहीं स्वीकारी, चाहे हमारे महाराणा प्रताप हो, हकीम का सूरी हो, बिलू राणा हो,
इन सब ने मिल के लड़ाई लड़ी है। यहाँ पर प्रेम स्वार्थ का हमेशा रहा है, मैं उन्हीं के नक्शे के तौर पर चल रहा हूँ। और गांधी जी ने भी एक लाठी लेके और अहिंसा के रास्ते पर चले और हमारे देश को आज़ादी दिलाई। अगर किसी के मन में ये गलत भाव है कि किसी और ने आज़ादी दिलाई तो वो निकाल दे, ये सिर्फ एक गांधी जी थे, उन्हीं का रास्ता था। जिसके भी मन में हो, चाहे मैं हूँ या किसी के भी मन में हो, वो निकाल दे। देखभाल तो पैदा ही नहीं हुए थे उस समय, ये कैसे रखेंगे वो भाव के? मैंने इतिहास है हमारा, याद रखना पड़ेगा हमें, रणजीत जी को याद रखना पड़ेगा। हिंदुस्तान ये यहाँ के वासी है, मेवाड़ की माटी के ही है, जैसे मैं हूँ तो याद रखना पड़ेगा हमें। चलिए मेरे को बताइए कि शहर का, जनता पार्टी शहर का खेवनहार कैसा होना चाहिए? विधायक ऐसा होना चाहिए जो महाराणा प्रताप का अपमान नहीं करे, बाबा भीमराव अंबेडकर का, बाबा बाबा भीमराव अंबेडकर का अपमान नहीं करे। जिस तरीके से ये नेता हमारे यहाँ आए हैं, अपमान करते हैं, ऐसे नेता हमें नहीं चाहिए, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, ऐसा कोई नेता नहीं चाहिए। ऐसा कौन है जो अपमान नहीं करेगा, नाम बता दो आज। जो भी अपमान करेगा और आगे आएगा हम उसका विरोध करेंगे। जो कर रहे हैं तो ये तो मीडिया में, आपको हमारे ज्यादा मालूम है कि मीडिया में कैसा आया मालूम है। बस आप तो बताओ ऐसा कौन व्यक्ति है जो उस पूरी परिपाटी को सुरक्षित रखेगा, अच्छा विधायक होगा, इनका सम्मान करेगा, अपमान नहीं करेगा, एक नाम बता दो आज। इसमें तो हमारे कांग्रेस पार्टी है, राहुल गांधी है, हमारा नेता राहुल गांधी, देश को जोड़ने का काम, जो देश को जोड़ने का काम कर रहा है। एक मिनट चुप हो जाओ। आज जिसका ये नाम ले रहे हैं उसने पूरे देश को एक कर दिया है। क्या कर दिया? पूरी यात्रा निकाली, पूरे देश को एक कर दिया। 10 दिन तक गांधी जी को वापस, गांधी जी वाला जो गांधी जी वाला रास्ता अपनाया है, पूरे देश को एक कर, अरे गांधी जी वाला रास्ता अपनाया। एक मेरे बड़े भाई साहब, मंडल अध्यक्ष जी, बड़े भाई साहब जिस तरीके से कह रहे थे कि MLA किसी के, हमारे जो भूतपूर्व MLA है अभी राज्यपाल बन चुके हैं, किसी में भेदभाव नहीं करा, इन्होंने जिस प्रकार कहा कि वार्ड नंबर 9 में 52 लाख का काम जारी करा, उसमें अधिकांश एरिया UIT का आता है, फिर भी उन्होंने 52 लाख का काम दिया, मैं उनका स्वागत करता हूँ। बाकी वार्ड नंबर 7 जो लगभग 90% पूरा नगर निगम का एरिया है, उसमें एक पनगढ़ जारी करा, इसके अलावा कोई भी रोड का कोई भी काम जारी नहीं करा है। आप बता दे कोई भी, ये तो इंजाम लग गया, ये तो इंजाम लग गया, जवाब दीजिए, हम जारी नहीं करा। अभी इनके पार्क में इनको भी मालूम है, इन्होंने भी दिया था, मैंने भी लिख के दिया था, वहाँ का टेंडर हो गया है, वर्क ऑर्डर बहुत जल्दी जारी हो जाएगा, 2-3 दिन में वहाँ पे भी काम चालू होने वाला है। लिस्ट चाहिए सवेरे दे दूंगा मैं पूरे उदयपुर शहर में। उसमें 52 लाख UIT एरिया में है और नगर निगम एरिया में कितने का पार्क है वो? 52 लाख आप कह रहे हो कि वार्ड नंबर 9 में 52 लाख का जारी करा, जिसमें अधिकांश एरिया UIT है, अधिकांश एरिया वन विभाग का है, वहाँ पर आप जारी करो। जो नगर निगम का नहीं बनी, नहीं बनी, पेच वर्क हुआ, रोडे नहीं बनी। आप चाहो मैं आपको विजिट करवा सकता हूँ, और आपने मेरे साथ थोड़ी कुछ एरिया में विजिट भी करा। इंसान है, झूठ नहीं बोला। अरे ये रोडे थे ना, 30 साल पहले भी बनी थी, और बीच में भी हमें पेच वर्क करवाया हमने, कई बार पेच वर्क हुआ है। और ये कांग्रेस की देन है जो 80 फीट से लगा के इधर भिलू राणा कॉलोनी में, और इधर सब तरफ कांग्रेस करती है काम। और मुझे तो 30 साल हो गए काम करते हुए, मैं मना नहीं कर सकती हूँ कि रोड नहीं बनी। भिलू राणा कॉलोनी को मैंने बसवाया पूरा। आपने बसवाया? हाँ, मैडम का फोटो खींचो। हाँ फोटो खींचो, हाँ मूर्ति लगाई है हमारे। उन्होंने भी बसवाई साथ, वो भी लगे, सब साथ ही लगते हैं, एक अकेला काम नहीं करता है। एक कोई एक बार बताइए, अब की बार कांग्रेस सफेद किले को भेज पाएगी क्या? हाँ जीत पाएगी, 100% जीतेगी, 100% जीतेगी। कौन होना चाहिए नया दावेदार? नया दावेदार जो अच्छा सारा सक्षम काम कर सकता है उनसे कम। अरे मोदी जी का चुनाव नहीं है भाई साहब, ये अतुल जी का चुनाव है। तो फिर कांग्रेस मीडिया से क्यों भाग रही है? कांग्रेस इंडिया इंडिया गठबंधन ने 5 चैनल पे अपना प्रवक्ता भेजने के लिए मना कर दिया और बैंड कर दिया, बैंड करने के, और नीत न्यूज चला के देख लो। चलिए राष्ट्रीय न्यूज, कांग्रेस मीडिया से क्यों भागती है? इसलिए भागती है कि बीजेपी वाले काम नहीं करते, कांग्रेस वाले काम करते हैं। ये
सबको मालूम है कि मीडिया किसकी गुलाम है, सबको मालूम है। बाकी अधिकांश चैनल अडानी के है, अडानी किसके इशारों पर और किसके इशारों पर सरकार चल रही है ये सबको मालूम है। किसके इशारों पे, किन मित्रों की सरकार है, सारा देश बेच के रख दिया इन्होंने। अच्छा मेरी बात सुन ले, अरे सारा देश बेच दिया आपने किसानों का कांग्रेस है और अरे यार मेरी बात सुनो, मैंने तुम्हें गांधी का तुम मीडिया को बिकाऊ कैसे कह रहे हो? मीडिया बिकाऊ नहीं है, बाकी कुछ अधिकांश आपके मीडिया के बंधु हैं जो बिकाऊ है। अब वो आप भी समझते हो कि कौन कौन उसमें है और कौन नहीं है। चलिए आप बताएं धीरज जी और साहब, कैसा होना चाहिए शहर का विधायक? हमारा शहर का विधायक तो जैसे हमारी उदयपुर शहर है और जैसे हमारे जिले है, जैसा हमारा वातावरण है वैसा होना चाहिए। कपूत नहीं होना चाहिए। अरे पूत कपूत वो तो आएगा तो पता, इतना सही से पता पड़ रहा था। सर भाई आप एक नाम सुझा सकते हैं आज? नाम तो अभी देखो, मेरे हमारे भारतीय जनता पार्टी में इतने कार्यकर्ता है, अभी मैं अपने आसपास देखूं तो ये चीज़ तो हमारा संगठन तय करेगा। और अगर मेरे से अभी ये राय पूछी जाए, अभी हम जितने में खड़े हम सभी कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के, और मुझसे पूछा जाए तो मैं तो अभी हमारे भाई साहब जो हमारे साथ में पड़े भाई साहब खड़े हमारे यहाँ संगठन तय करता है। हमारे यहाँ संगठन बनेंगे, जो हमारे कार्यकर्ता बनेंगे कार्यकर्ता में बनेगा। और हमारे अतुल जी जनता की विशेष डिमांड है आपके लिए, क्या कहेंगे आप? जनता की डिमांड आप सभी जनों का आशीर्वाद है कि आप मेरे ऊपर इतना विश्वास कर रहे हो। गुलाब जी का प्रॉम्प्ट आदमी हो और गुलाब जी का सबसे बड़ा फॉलोवर हो, इसमें मेरे को गर्व है। मैं आप सभी जनों का सम्मान करता हूं, पर यह हमारे संगठन की परिपाटी नहीं है। अतुल चंडालिया आज आपके भरे चैनल से ये कहना चाह रहा है कि जो भी भारतीय जनता पार्टी कमल का सिंबल लेके आएगा, इस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता उस सिंबल के लिए काम करेगा, वरन किसी व्यक्तिगत रूप से काम नहीं करता है। अच्छा मान लो एक मिनट के लिए, जैसे गणित में मानते हैं कि मान लीजिए कि अतुल जी चंडालिया प्रत्याशी से दावेदार से प्रत्याशी बन गए, तो ऐसे क्या दो कार्य होंगे जिन पर आप शहर के लिए काम करना चाहते हैं जो आपके आइडल गुलाब जी से अछूते रह गए? मेरे पास इतने मेरे विचार हैं, मैं आज ये कहना चाहता हूं कि आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति गुजरात में लगी, केवड़िया में लगी, आज वहां पर लाखों टूरिस्ट वहां आता है, तो उसके आसपास के क्षेत्र का विकास हो गया। ये प्रभु एकलिंगनाथ की धरती है, ये महाराणा प्रताप की धरती है। मेरा सपना है कि विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति महाराणा प्रताप की इस उदयपुर में उपस्थित है। अगर ये मूर्ति यहाँ पर या अगर रहती है तो अगर बनती है तो आसपास के क्षेत्रों में सबको रोजगार मिलेगा। आज महाराणा प्रताप पूरे भारत में नहीं पूरे विश्व में पूजे जाते हैं, और अगर पूछते हैं ना कि महाराणा प्रताप कहाँ से है तो गर्व से हमारी छाती ऊंची हो जाती है कि हम हमारे उदयपुर के हैं। अच्छा एक सवाल ये पूछना, ये पूरी जो साइड है ये प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर है, ठीक है, फिर भी यहाँ रात्रि कालीन कोई नाइट बाजार नहीं, आने वाले टूरिस्ट परेशान होता है, आप टूरिस्ट के लिए सोच रहे हैं? 100% खोलना चाहिए। नगर निगम ने पिछले बोर्ड के अंदर मसाला बाजार की तैयारी करी, हमारे ही कुछ घर के आदमी समझ लो कि बाहर के आदमी समझ लो, उन्होंने वहाँ पे भरा और उसके बाद उन्होंने उसके ऊपर स्टे लगवा दिया। रात्रि बाजार 101% इंदौर की तर्ज पे यहाँ पर खुलना चाहिए, और वो होएगा तब रात्रि को 2 बजे भी भोजन मिलेगा तो भी यहाँ पर आदमी आके और वो अपना काम कर सकेगा। मेरा अभी जैसे मेरे भैया जो हैं पार्षद जी जो वार्ड नंबर 7 से है, या तो क्या ये पूरी जानकारी लेके आए नहीं, इनको जानकारी लेके आनी चाहिए। नहीं मैं गांधी जी के फैन है तो यहाँ खड़े रहने वाला जितने भी आदमी है ना सब गांधी जी के पुजारी हैं।
मैं भैया से बोलिए प्रेम से इतना ही निवेदन करना चाह रहा हूँ कि आपसे आपसे पहले आपसे पहले आपके वार्ड के मोहसिन भाई पार्षद थे, आपको कल की तारीख में भाइयों एक मिनट, आपको कल की तारीख में नगर निगम में जाना चाहिए। नगर निगम में पिछले उनके मोहसिन जी के कार्यकाल के अंदर नगर निगम ने कितने करोड़ रुपए का काम कराया वो आपको जाके पता करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी किसी भी धर्म की राजनीति नहीं की। इसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं कि वार्ड नंबर 7 हुआ करता था, पहले बाबूलाल जी कटारा वहां के पार्षद थे, उस खड्डे के अंदर 70 लाख रुपए का काम कराया जहां पे भारतीय जनता पार्टी को 7 और 17 वोट मिले। आप गुलाबचंद कटारिया जी की बात करते हो ना, आप गुलाबचंद जी कटारिया की सोच को देखना, वहां जाके 70 लाख का काम कराया, उन्होंने कभी वोटों की राजनीति नहीं गई। आप जाके उस बूथ को खोलना, हमें वोट मिलते 7, 17 और 34, वहां पर गुलाबचंद कटारिया जी ने काम कराया। एक बार ताली हो जाए भाई साहब, 5 मिनट सभी नेता थोड़ा विश्राम करें, मैं जनता से वार्तालाप करके आता हूँ। मयूर भैया, यस भैया, आप बताए कैसा होना चाहिए विधायक? विधायक उदयपुर का युवा होना चाहिए और जो सबको साथ लेके चल। युवा की परिभाषा बताओ मेरे को। युवा 50-55 साल का। 50-55 साल का युवा होता है? हाँ। तो फिर उन्हें युवा मोर्चा में भर्ती कर दे। युवा मोर्चा भी ले सकते हैं? नहीं, 35 साल का युवा होता है बस। 35 से चालू होता है? 18 से 35 साल का युवा। 18 से नहीं, 35 से चालू होता है। अरे भाई साहब, मैं कह रहा हूँ 35 से चालू युवा है क्या? है मेरे पापा और हम दोनों युवा है। आपके पापा कौन? मेरे पापा। बताओ ना, युवा किसको? आप भी युवा हो और पापा भी युवा है। युवा युवा ही चाहिए हमें तो। अब युवा, अरे यार भैया पहले युवा की परिभाषा तो बताओ मेरे को। देखो कुल मिला के हमारा तो ये कहना सर, युवा से मतलब ये है कि जिसकी सोच युवा हो। जो आज की जो पीढ़ी 2023 चल रहा है, पुराना टाइम तो रहा नहीं है कि आप पार्टी पॉलिटिक्स और इन चीजों में रहे। युवा युवा शक्ति का मतलब है उसकी सोच ही युवा होनी चाहिए। अगर उसकी सोच युवा हुई तो श्योर है कि उदयपुर में विकास होना ही है। समझ रहे ना सर? हाँ भाई साहब, क्या कहना चाहते हो आप? क्या कहना चाहते हो? हाँ मयूर भैया, हाँ बताओ। मेरा नाम आजम है। हाँ, मैं एक समाज सेवी हूँ। हाँ। मैं किसी पार्टी का विरोध नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी का लाचन नहीं लगा रहा हूँ। सीधी बात, ये अगर ये ब्रह्मपोल मार्ग है, ये कब्रिस्तान है, शिव मंदिर है, कब्रिस्तान भी है पास में, ये पूरा रोड अंधेरे में डूबा पड़ा हुआ है। अगर यहाँ से आज किसी अगर मेरी माँ की या बहन की अगर चेन टूटती है, उसका जिम्मेदार कौन? कौन है भाई जिम्मेदार? जवाब दो। बीजेपी। अरे प्लीज नारे नहीं। अरे वो तो देखो, वहाँ भी टूट रही है, उसका जिम्मेदार कौन है? राजस्थान सरकार, मुर्दाबाद सरकार। नहीं अपने, देखो प्लीज, अरे सुनो सुनो, एक मिनट, आजम भाई देखो मेरी गाड़ी पे लाइट चालू है कि नहीं है? आपके सही कब्रिस्तान के अंदर, मैं बताऊँ आपको, सही कब्रिस्तान के अंदर आपको वहाँ लाइट चालू करने का आयद है, मगर इतना चाह रहा है, कौन चलेगा वहाँ पे? कौन चलेगा? कौन चलेगा वहाँ पे? आप चारा साफ कराओ, लाइट चालू करो, तैयार हूँ मैं 24 घंटे के अंदर। आप सही कब्रिस्तान की बात कर रहे हो? आप मैं कह रहा हूँ सही कब्रिस्तान में, मैं कह रहा हूँ वहाँ बोल के मेरी बात सुनो, ठोकर की बात मत करो, झूठ मत बोलो, लाइट चालू है रोड पे, चलो कब्रिस्तान में नहीं है लाइट, मैं जा रहा हूँ नहीं है कब्रिस्तान के रोड पे, चालू है लाइट, चालू है, चालू है, चालू है, झूठ मत बोलो, चालू है, चालू है, सम्मान करो नागरिक का। अच्छा अच्छा, नेता की तरह चिल्ला रहे हो आप, आपकी नेता की तरह चिल्ला रहे हो आप, आपकी नेता की तरह चिल्ला रहे हो। जानते जानते आजम भाई उनके साथ गाड़ी बैठ के जाना है आपको, मैं बता रहा हूं, अभी अभी चलो ना, आप मेरे साथ चलिए, आप चलिए, बोलो। पर हम आदरणीय कार्यकर्ताओं, चाहे वो कांग्रेस के हैं चाहे बीजेपी के हैं, हम यहाँ किस लिए एकत्रित हुए हैं? आप बीच में कोई नहीं बोले, मैं पूछ रहा हूँ, उन प्रश्नों के जवाब दीजिए। हम क्यों इकट्ठे हुए? लड़ने के लिए? क्या हम अपनी दादागिरी दिखाने के लिए? हम लड़ने के लिए नहीं, क्षेत्र का विकास,
हो, इसलिए हम एकत्रित हुए, चर्चा करें, आराम से करें। ये दादागिरी ने बताएं और आराम से प्रश्न का उत्तर प्रश्न से दें। लड़ने के लिए हम एकत्रित नहीं हुए, हम आप दूसरे के भाई हैं और जो नेता बनेगा वो ऊपर जाके वो कमाएगा, हम तो जहाँ है वही रहेंगे, कार्यकर्ता वही रहेंगे। आप बताओ भाई साहब कैसा होना चाहिए नया विधायक? बिल्कुल, विधायक इस बार चेंज होना चाहिए। हमने जो पिछले 20 सालों से 25 सालों से हमने एक ही विधायक देख रहे हैं, इस बार शहर की जनता चेंज चाहती है और कांग्रेस का विधायक चाहती है। इस बार जरूर जरूर सारी जनता कांग्रेस का विधायक लेके आएगी उदयपुर शहर में। कौन होगा दावेदार? कांग्रेस की पार्टी जिसको भी टिकट देगी, जो भी कांग्रेस के सिंबल पे चुनाव लड़ेगा वो ही है जो कांग्रेस का। आप बताएं कैसा होना चाहिए? उदयपुर का विधायक गुलाब जी जैसा होना चाहिए, जो आज उदयपुर का नाम जो विश्व के अंदर है सेकंड आया है वो गुलाब जी की वजह से है। और जो पर्यटक स्थान बना है, जो प्रसिद्धि उदयपुर को मिली है विश्व के अंदर, वो गुलाब जी की वजह से मिले। आप बताएं कैसा होना चाहिए विधायक उम्मीदवार? विधायक तो कांग्रेस का अभी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, इतनी हालत खराब करेगी। अशोक गहलोत ने कोई इंडस्ट्री नहीं चल रही है, कोई कुछ नहीं चल रहा है, सब फुकट में माल दे के सारे देश राजस्थान का भट्टा बिठा दिया है कांग्रेस ने। और कांग्रेस के जितने लोग फुकट के खा रहे हैं और बिजली फुकट के दे रहे हैं, पूरी इंडस्ट्री बंद है, लाइटें बंद है, कोई इंडस्ट्री नहीं चल रही है और सारा बेकार काम। चलिए ठीक है, जी भाई साहब बताएं कैसा होना चाहिए शहर का नया खेवनहार? सर यहाँ का विधायक ऐसा है जो उदयपुर के लिए सोचे, खासकर बहुत लंबे टाइम से गुलाब चंद की कटारियाँ यहाँ चल रहे हैं, कोई काम नहीं हो रहा है। और वोटर को यूँ कहते हैं कि जब बात करते हैं समस्या की तो हमारे तुम्हारे वोट कुएं में डाल देना। और महाराणा प्रताप की जहाँ अतुल चंडालिया कहते हैं मूर्ति लगाओ, मत इसे मेवाड़ के अंदर महाराणा प्रताप का जो अपमान कर रहे हैं, तो आपके कांग्रेस का विधायक होना चाहिए जो लंबे टाइम से नहीं है और साफ सुथरा होना चाहिए, जो देश का और उदयपुर का विकास कर सके। मोदी जैसे बड़े बड़े ये बात कह रहे हैं, जब अशोक गहलोत जी यहाँ इतनी योजनाएं चला रहे हो कर रहे हैं, तो वो अनिल अंबानी को और इनको दे रहे हैं और कहते हैं कि गहलोत जी रेवड़े बांट रहे, गरीबों का हक का दे रहे और रेवड़े बांट रहे। रेवड़िया रेवाड़ी जो है मुफ्त की चीजें हैं, वो 4.5 साल बाद ही क्यों बांटते हैं? क्यों पहले ही बांटी ना, पहले दो रुपए किलो गेहूँ दिया, कई मतलब इलाज फ्री हो रहा है, दवाया फ्री हो रही है, दवाया फ्री हुई है। ये पहले गहलोत सरकार के कार्यकाल में हुआ, वजूद निकाले तो आके दारू में ना करा और यहाँ दारू बंद करवाया अशोक गहलोत ने। हम तो पीता ही नहीं है, उन्होंने खजाना भरने का काम करा और अशोक गहलोत ने सिर्फ जनता का काम किया, जनता के हित में करा, कई योजना चला दी, तहसील को जिला बना दिया। कांग्रेस वापस आएगी क्या? वापस रिपीट होगी कांग्रेस? कांग्रेस रिपीट होगी क्या? बिल्कुल होगी। अच्छा आप तो एक बार आप मुद्दे पे बात करें, चिल्ला जानवरों की तो चिल्ला ही नहीं, आप एक एक सवाल पूछे जवाब दूंगा। हर सवाल पूछा, पहला सवाल ये है, कहा जाता है कि आप लोगों को उठा भी देते हैं, उठा भी देते हैं तो मौका आएगा, जैसा काम करना पड़ता है, जो जैसा काम करेगा उसको वैसा जवाब देंगे। पार्टी ने नई जिम्मेदारी दी है आपको, जिम्मेदारी दी तो उसको खूबी से निभाएंगे और जिता के लाएंगे एमएलए। किसको जिता के लाओगे? कौन है आपका जिसको जिसको प्रत्याशी बनाएगी कांग्रेस पार्टी, उसको जिता के लाओगे? बिल्कुल जिता के लाएंगे, क्यों नहीं भेजेंगे। मैं गुलाब जी कटारिया ने मुझे चुनाव लड़वाया है वोट काटने के लिए, मैं उनकी पहले से सब जानता हूँ। हाँ 2003 में चुनाव लड़ा हूँ मैं, 2003 में चुनाव लड़ा हूँ, गुलाब जी ने मुझे बीजेपी से भेजा कांग्रेस में। मैं सुरेश शर्मा सामाजिक कार्यकर्ता, मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूँ कि मामले कोई भी सरपंच नहीं,
बच्चा दे न सकी तो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है, तो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। आओ भाई साहब नारा मैं लगा लूं, मैं लगा दूं नारे, उनको भी नारा लगाओ। कांग्रेस बीजेपी, कांग्रेस बीजेपी, कांग्रेस बीजेपी। अब हो गया, हो गया, हो गया। आप बात करें, चलो कुछ होगा कि नहीं होगा। तो आप इधर आइए ना जनाब, तुलसी भाई साहब मुद्दे की बात करो। अरे एक सेकंड रुकिए, देखो मेरी बात सुनो, मुद्दे की बात करो, मुद्दे की बात। हमारे सांसद साहब कहाँ हैं, उनके दर्शन कब होंगे? हमारे सांसद साहब के दर्शन कब होंगे जनता को? भाई हमारे सांसद साहब जनता को जरूर इतने सामान्य कार्यकर्ता है कि आप उन्हें याद करोगे वो आपके घर आ जाएंगे। आप बोलो तो सही, कब बुलाना है? उनके सांसद नीति का पैसा जनता को कब मिलेगा? उनकी सांसद नीति का पैसा जन कल्याण में कब काम? सांसद निधि से उन्होंने बहुत सारे काम कराए, आप पता करा लो ना भाई। हाँ अच्छा अब एक बात बताओ, ये सूरज जी थोड़ा सा उधर उधर खींचो, थोड़ा लंबा करो, लंबा करो, लंबा कर लो। फ्री बांट के देश को बर्बाद कर रहे हैं, फ्री बांट के वोट के पीछे फ्री बांट के देश को बर्बाद कर रहे हैं। ये मतदाताओं का अपमान कर रहे हैं, जो गरीब मतदाता उससे अपना घर चला रहे हैं उसका अपमान कर रहे हैं, ये मतदाताओं का अपमान कर रहे हैं जो मतदाता। तो फिर तुमने 200 रुपए क्यों काम कर दिए टंकी पे, जब गहलोत में 500 काम कर रहे हैं? ये मतदाताओं का अपमान कर रहे हैं, गरीब मतदाताओं का अपमान कर रहे हैं, वो गरीब मतदाता चला रहे हैं, अपमान कर रहे हैं। थोड़ा घूम लो यार, वो पूरे भारत के लिए किए, पूरे भारत के पीछे 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 थोड़ा सा पीछे नहीं करेगा राजस्थान के सामने। आप नारे थोड़ी देर बाद लगाए, उसका मौका दिया जाएगा, अपन पहले जनसंवाद करें। ये भाई साहब बड़े लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं यार, इनकी बात रखो यार। यस सर, मैं सुरेश शर्मा सामाजिक कार्यकर्ता, कांग्रेस कार्यकर्ता बोलो आप, आप ये जिस तरह से पेश आ रहे हैं ना, एक सभ्यता की पहचान नहीं है। हमें अपनी बात सभी को रखनी चाहिए और जो भी उम्मीदवार जिस भी पार्टी का हो उसको अपने हिसाब से उसको मत करें, उसमें कहीं दिक्कत नहीं है। आपका जो भी आता है बीजेपी का वो बीजेपी वाले करें, और कांग्रेस का जो भी आता है उम्मीदवार वो कांग्रेस की रीति नीति तय करेगी। और जिस तरह विकास हुआ है पूरा राजस्थान जान रहा है, पूरा राजस्थान जान रहा है कि गहलोत सरकार रिपीट हो रही है, ये पूरा स्पष्ट है, पूरा स्पष्ट है कि किस तरह से बात हो रही है। और पूरे राजस्थान में पूरे देश में गहलोत का नाम गर्व से लिया जा रहा है। मैं यही कह के अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ, धन्यवाद। गहलोत जी ने उनका से चालू करो, खातून क्या हो गया, एक बार एक बार, अरे हो गया खातून क्या। गहलोत जी ने लोट क्या किया इनको, गहलोत जी ने जो मोबाइल मांगा अपनी तनख्वाह से मांगा क्या, उनको नहीं दे रहे, जनता का पैसा जनता को दे रहे हैं, ठीक है ना। एक मिनट मेरी बात सुनो, एक मिनट सुनिए, एक मिनट मेरी बात सुनो, एक मिनट मेरी बात सुनो, एक मिनट मेरी बात सुनो, एक मिनट। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, 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 आज रिवर फ्रंट कोटा में चले जाओ चंबल, 5 साल की उपलब्धि है उसकी, आज आयर नदी की स्थिति इन्होंने क्या कर रखी है, ये क्या कर रहे हैं? सुनो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जो 70 साल का हुआ, मैं यही कहना चाहता हूँ, मोबाइल फ्री में दो, राशन किट दो, सब दो गरीबों को, बहन बेटी के नाम की सुरक्षा क्यों नहीं कर पाई गहलोत सरकार?
आज राजस्थान में राजस्थान राजस्थान वीर भूमि है। आज इस बहन बेटी की रक्षा नहीं कर पाई है सरकार किस काम की? कितने रेप हुए कितनी बहन बेटियों को जिंदा चले? भिलवाड़ा कांड देखो बोलने से काम नहीं चलता है। दोषियों को सजा दी सरकार ने। आप बताएं ये फ्री में जो सामान बांट रहे हैं राजस्थान में, ये मेन कारण यही हारने का, कांग्रेस ही आएगी वापिस, क्योंकि हर आदमी को फ्री सामान देने के बाद। बेगवाल ने कहा कि ये भ्रष्ट पार्टी है, बीजेपी के जितने भी नेत्री मंत्री है ये सब भ्रष्ट है, आप उनको देखो। सरकार किस काम की जो बहन बेटी की सुरक्षा नहीं कर पाए? भाई साहब कैमरा रे हम तो हटोगा का लोकेश जी कोठारी साहब, आप बताए, पार्षद साहब से प्रश्न पूछ रहा हूँ, आप बताए, आप वाक्य में अपने कार्यों से वार्ड के विकास कार्यों से खुश है क्या? क्योंकि जनता आपसे खुश नहीं है। मैं 100% अपने वार्ड से भी खुश हूँ, कार्यकर्ता से भी खुश हूँ, अपनी पार्टी से भी खुश हूँ। वार्ड में जो भी काम है सभी कंप्लीट हो गए, और जो मेरे भाई हिदायत जी रोड की बात कर रहे हैं उनको पता ही नहीं पूरे उदयपुर में रोड सेंक्शन हुई है, बारिश की वजह से काम रुक गया, वरना सारे टेंडर हो चुके हैं, कोई भी काम नहीं रुका है, और अच्छी सरकार है, अच्छा काम है हमारी बोर्ड की जी। ये आदेश कर रहा बाबा। अब आप बताएंगे शहर का नया विधायक कैसा होना चाहिए? हमारे संगठन सर्वोपरि की परिपाटी है, जिसको संगठन भेजेगा हम उसका काम करेंगे, और लाखों वोटों से जीता के जयपुर भेजेंगे। लाखों वोटों से जी? अरे वोट 2.5 लाख दिए दादा। 2.5 लाख है तो 1.5 लाख जीताऊंगा, 100% वोट लावांगा माता। हाँ बता, जमानत जब्त करेंगे कांग्रेस वाले 1.5 लाख वोटों से जीतेगी, जमानत जब्त करेंगे, और मैं भी जो लड़ा हूँ तो कांग्रेस के MLA के भतीजे मेरे सामने लड़े और 800। अरे भाई साहब इधर आओ, इधर आओ, अरे इधर आओ, अरे बीड़ी बताओ, बीड़ी बताओ। मैंने वो मुकेश वाला एड देखा तुमने? क्या मुकेश वाला एड देखा? टीवी चालू होने से पहले आता है, पिक्चर चालू होने से पहले। कैंसर हो जाएगा तुम्हें। आप अभी क्यों पिए आपने? अब नहीं पिएंगे बीड़ी, कैंसर हो जाएगा तुम्हें। ठीक है, अब नहीं पिएंगे बीड़ी। अनुज दीक्षित जी, जी आप बताए कैसा होना चाहिए शहर का विधायक? यंग होना चाहिए, जो हमारे यंग की परिभाषा बताओ। जैसे मैं खड़ा हुआ हूँ, हमारे अतुल जी भाई साहब। अरे यार ये विधायक लड़ना चाहते हैं, पहले आप बात तो सुने, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। आप देखिए अभी बात कर रहे हैं, हमारे अतुल भैया हैं, जैसे वो भी अच्छे यंग में है, हर हमारे बूढ़ा हो चाहे जवान हो, सब दिन रात सेवा के लिए हमारे तैयार रहते हैं। जैसे आप देखें मेरे अभी हमारे एरिया में चले आप गसिन जी की बाड़ी में, हमारा रोड अभी सेक्शन हुआ है, कल से काम चालू हुआ है, वो नगर निगम एरिया ने करवाया, अभी आप लाइव देखे देख सकते हैं, अभी भी काम चल रहा है। तो अभी तक देखा जाए जो बीजेपी जो भी नगर निगम में है उन्होंने ज्यादा हद तक अभी अच्छा काम करवा रहे हैं, रोड जहाँ रोड लाइन नहीं थी वहाँ रोड लगवाई। विधायक कैसा होना चाहिए, नाम बताएं? नाम हम बता सकते हैं, जो हमारी पार्टी है पार्टी तय करेगी, पार्टी तय करेगी। आप बताएं कैसा होना चाहिए शहर का विधायक? अतुल चंडालिया जैसा होना चाहिए। अच्छा अच्छा इनमें से अतुल चंडालिया कौन है बता दो मेरे को। हमारे भाई साहब खड़े हुए हैं। कहाँ खड़े हुए? कहाँ खड़े हैं बताओ? वो खड़े हुए हैं हमारे भाई साहब। कहाँ खड़े हैं भाई साहब? के पीछे खड़े? नहीं, गलत। शहर का विधायक वो होना चाहिए जो सभी को साथ लेके चले, गरीबों के कल्याण करे, सभी को साथ लेके चले, ऐसा कैसा विधायक? ऐसा होना ही चाहिए महाराज। आप मिथुन दारे का फेल हो गया? फेल तो हम जनता के हैं, फेल तो हम। आप आनंद लेने आए हो कि जल संवाद कराने आए हो? विधायक कौन होना चाहिए जो सब का भला करे, सबको साथ लेके चले, और वो सिर्फ बीजेपी वाले कर सकते हैं। बीजेपी वाले कर सकते हैं? एक नाम बता दो। चलो आज हमारे भाई साहब ने इतना काम किया है शहर में, कोई माने या ना माने यही सत्य है, सत्य है। और हमारे भाई साहब जो अतुल चंडालिया निस्वार्थ से क्षेत्र की सेवा कर रहे हैं, हमें सब पता है। और
और वही हमारे लिए है। अतुल जी मिलता भी चाहेगा, जो साथ में है उसी की चिंता करेंगे। दुख सुख में अगर कोई क्षेत्र में खड़ा है तो वो हमारे अतुल चंडालिया जी है। ठीक है, अतुल चंडालिया जी है। हाँ चलिए, आप बताए भाई साहब, एकदम वॉकिंग करते करते आया। मैं तो पहलवान हूँ, राष्ट्रीय पहलवान हूँ। हाँ पहलवान ही है। अच्छा एक बार बताओ कैसा होना चाहिए विजय, कैसा होना चाहिए? ऑलराउंडर, मेंटली फिजिकल भी फिट होना चाहिए। ऐसा कौन नाम है? नाम तो आप, ये तो संगठन तय करेगा कौन होना चाहिए। हमारा हाथ में नहीं, सर्वे होगा, जनता से पूछा जाएगा। सबसे पहलवान होना है, बताओ ना। ऑलराउंडर, खाली यू तो है नहीं कि पर्यटक की विकास करना है, लाइट ही लगानी है, रोड ही लगानी है। ऑलराउंडर चाहिए अपने को तो, जो हर काम कर सके। और मैं पहले 35 साल का हो, 50 साल का हो, फिजिकली भी और मेंटली भी फिट होना चाहिए। फिजिकली मेंटली फिट चाहिए, पहलवान हो इसलिए। चलिए आप बताए सतीश जी। भाई साहब, मैं भाई साहब निवेदन कर रहा हूँ आपसे, ये जो आप इस तरह जो चिल्ला चिल्ला, ये जो कबूतर में ये जो भाई साहब, अरे मेरी बात सुनिए, लोग हैं जो पिछले 40 सालों से गुलाब चंद कटारा साहब यहाँ पर विधायक थे, मंत्री थे, इनको पानी से ऊपर नहीं आने दिया। कुंठा तो बंद भरी हुई है 40 साल की, हमें मौका नहीं मिला करने का कहीं पे भी। इनके सारे मंत्री, पूरे हिंदुस्तान के सारे मंत्री लिया है गुलाब जी के सामने, एमएलए एमपी लिया है, इनको पानी तक पीने की जगह नहीं मिली। अब कुंटा भरी तो बोल रहे, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। कुंटा तो बीजेपी वालों के मन में भरी हुई है, कुंटा बीजेपी वालों में भरी हुई है। किस तरह से भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बनाया, भारतीय जनता पार्टी का विधायक वापिस जैसे बनाया, और पहले भाई साहब ने 20-25 हजार 50 हजार से वोटो जीते, उससे भी अधिक वोटों से यहाँ पे गुलाब जी कटारे, तो एक वहाँ पे असम के राज्यपाल बने, हर कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी गुलाब जी कटारे, जो इनकी जमानत जब्त करके मानेगा वहाँ पे। कौन होना चाहिए, ऐसा कौन आदमी है, कौन दावेदार है या महिला है जो आपको जो इसको आप समर्थन दे रहे हो? भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने कहा और शहरवासियों ने कहा, मेरा जो विधायक वो कमल का निशान है, वहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी देश वो जीतेगा, कमल का निशान ही है, कमल का निशान मांग रहा है हिंदुस्तान। भाई साहब आप बताओ। सर बहुत अच्छा चल रहा है यहाँ पर, और आनंद आ रहा है। आपने भी एक बार चैनल के लिए ताली बजाओ, चैनल के लिए ताली बजाओ। बहुत अच्छा चैनल है, बहुत अच्छे सच्चाई से लड़ रही है, और झूठे लोग साइड में खड़े हो गए हैं, कोई जवाब नहीं दे पा रहे हैं। ठीक है, उनके पास कोई जवाब नहीं है। मणिपुर कर रहे हैं, 70 सालों से वो एक औरत के तलवे चाट रहे हैं, उनके पास कुछ काम नहीं है। ठीक है, वो मोदी जैसा तो क्या, दूर दूर तक उनके पास कोई आदमी नहीं है। अच्छा, नरेंद्र मोदी। वार्ड पार्षद आशा जी सोनी हमारे साथ है। मैडम सबसे पहले तो ये बताएं कि वार्ड के विकास के कार्यों से आप खुद संतुष्ट हैं? मैं संतुष्ट हूँ, मेरे वार्ड में सारा काम हो चुका है, वो सारा स्मार्ट सिटी का वार्ड था, वार्ड में चल रहा है स्मार्ट सिटी काम, मेरा हो गया, हो चुका पूरा काम वार्ड स्मार्ट सिटी का, बिल्कुल संतुष्ट है, सब संतुष्ट है मेरे वार्ड में। अच्छा अब एक बात बताओ कि अंदरूनी शहर से आप आते हो, ऐसा कौन सा खेवनार होना चाहिए जो अंदरूनी शहर की नब्ज को पहचान सके ना, क्योंकि गुलाब जी तो पहचानते थे 20 सालों तक राज करा, जो कमल का निशान होगा उस पे हम खड़ा उतरेंगे, हम उसी के साथ हम है प्रत्यक्ष, जो कमल का निशान है जो भी है वो हमारे साथ, बस हम उसी के साथ में। कमल का निशान है। हीरा देवी जी आप बताएं कैसा खेवनार चाहती है आप शहर के लिए? हमारा अच्छा होना चाहिए, जो पलटी कमल का निशान होना चाहिए उसके साथ हम खड़े उतरेंगे। नहीं नहीं कॉपी ले, जो हमारे संगठन खड़ी होगी वही साथ है। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, संगठन तय करेगी उसके साथ है हम तो। एक ये पंडित जी हमारे साथ है, पंडित जी आप बताओ, आपने जनता से भी अपील करी, आप पूर्व पार्षद भी हैं, रमेश जी चंदेल साहब कैसा होना चाहिए शहर का विधायक? जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि हमारे शहर का आदमी ऐसा हो जैसा गुलाब चंद जी कटारिया ने सबको साथ लेकर सबका विकास किया, ऐसे ही नरेंद्र जी मोदी का संदेश है, उनका संदेश है मोदी जी का कि सबका साथ और सबका विकास। जहां लोग पहले ये कहते थे कि मुस्लिमों को मार देंगे अगर मोदी आ गया तो, आज वो सभी उसके पक्ष में हैं। जितने ज़्यादा मुस्लिम मोदी जी के पक्ष में है उससे ज़्यादा कोई नहीं है। दूसरा ये मैं निवेदन कर रहा हूँ कि आज अगर मोबाइल बांटे हैं तो क्या मुख्यमंत्री जी ने अपनी जेब से पैसा दिया है उसका, और जो अनाज मिल रहा है क्या वो सही जगह पहुंच रहा है? कम करेगा अपनी जेब से कम करेगा? हाँ बिल्कुल, जेब से कम किए, वो तनख्वाह नहीं ले रहे हैं, वो तनख्वाह नहीं ले रहे हैं,
तनखा नहीं ले रहे हैं वो है मुख्यमंत्री जी की तनखा और क्या है क्या है प्रधानमंत्री क्या है बताओ मुख्यमंत्री जी की हाँ अरे आप सुनो आप सुनो एक बार सुनो मेरी बात सुनो ये जातिवाद फैला रहे हैं पक्षवाद फैला रहे हैं और अपराधियों का साथ दे रहे हैं जैसे कन्हैया का मर्डर हुआ वो गृह मंत्री था मुख्यमंत्री जी गृह मंत्री का बाहर था वो वहाँ जाके रुक गए अपने जोधपुर में जाके बैठ गए क्यों उनका कर्तव्य था कि सबसे पहले यहाँ आते और दोनों पार्टियों से मिलकर के बात करके उसका समाधान निकालना चाहिए अपराधी को अपराधी की तरह सजा मिलनी चाहिए अपराधी को अपराधी की तरह सजा मिलनी चाहिए। हाँ भाई साहब आप बताएं उदयपुर शहर का विधायक आज मोहनलाल जी सुगड़िया जैसा होना चाहिए उनकी आज भी उन उपलब्धियों को कोई पूरा नहीं कर रहा है। गुलाब जी भाई साहब अपने सम्माननीय है बाकी आज इतने साल की राजनीति में उदयपुर में एक भी उपलब्धि गिनाने जैसी नहीं है उनकी आयर नदी उन्होंने विनेश उन्हों बनाने के सपने आज दिख रहे हैं हमें कैसी विनेश बनाई है उन्होंने आप बताएं सर वेनिस बनाने का सपना दिखा इनका अंजाम है। सुखड़िया जी बहुत अच्छे नेता है हमारे सबके सम्माननीय है भैया को भी पता होगा कि आदरणीय गुलाब चंद जी कटारिया ने अपने भाषण में जितना कांग्रेस के लोगों ने सुखड़िया जी को याद नहीं किया उससे कई गुना उन्होंने सुखड़िया जी को याद किया। इसलिए देखो भैया जी आप बहुत ज्यादा बोलते हो यार एक तो क्या है आप रे रे के बहुत बोलते हो अरे यार तो फिर आप ही बोल लो ना फिर हर चीज में आप ही बोल लो हम आपको कुछ बोल नहीं देते आप हर चीज में बोले हर चीज में बोल 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 यार आप ही बोल लो आप बोलिए एक ही चीज लो फिर एक ही मुद्दा है जो महिलाओं का अपमान करेगा महाराणा प्रताप का अपमान करेगा मणिपुर पे 46 सेकंड बोलते हैं 72 दिनों में जिबान नहीं खुली कितनी देर बोलना चाहिए था ये बताओ आप कितनी देर में खुश हो वो अगर उनको वहाँ जाते हैं उन महिलाओं से मिलते हैं उनको सुरक्षा देते हैं उनको न्याय दिलाते हैं ये हम तो हम भी कहते हमारे प्रधानमंत्री हमारा भी सर गर्व से सर ऊंचा होता बाकी वो 72 दिनों में एक जिबान तक नहीं खुली उनकी ऐसा और अंबानी अडानी और किसानों के लिए तो बोलते हैं महिलाओं में नहीं बोलते और ये कहते महिला सुरक्षा आप मणिपुर की बात कर रहे हो आपके नेताओं ने तो भारत और पाकिस्तान के टुकड़े करा दिए उसमें बोलो ना भारत और पाकिस्तान के टुकड़े करा दिए आप पूरे दिन मणिपुर मैं आपसे अरे अंग्रेजों ने भी करा इनके नेताओं ने करा अरे आप पढ़ो ना इतिहास भैया देखो मैं गुलाब चंद जी कटारिया कि यहाँ पर कितना वजूद था इनको तो खुश होना चाहिए अभी हमारे छोटा भाई है सिद्धार्थ अभी सिद्धार्थ जी शर्मा ने कहा इनको तो वापस गुलाब जी चाहिए यार गुलाब जी होते तो आपके लिए बढ़िया था उसका कारण ये है कि आपके यहाँ 35 दावेदार हो गए इतनी वादा बोली नहीं होती अगर गुलाब जी होते 2 या 4 दिनों में आप लोगों का काम चल रहा था मैं इसलिए आपसे एक निवेदन करता हूँ मैं आपसे हाथ अखलाक भाई मेरे साथ स्कूल में पढ़े हो यार मेरे साथ स्कूल में पढ़े हो मैं इसलिए आपसे एक बात कह रहा हूँ अपन जिस मुद्दे पे जिस बात पे बात करना है इनका भी अच्छा लगेगा चैनल का भी बढ़िया लगेगा और पूरे उदयपुर की जनता जो सुनेगी ना उनको भी अच्छा लगेगा। आपका बताओ कि आपका विधायक चुन के आवे तो उसका क्या काम होगा हम ये बतावे कि हमारा विधायक बन के आए तो हमारा क्या सपना होगा। मैं आज आपको एक चीज बताता हूँ आप बिल्कुल ठंडे दिमाग उसके बाद आपको जो बोलना है जो बोलना। उदयपुर के अंदर सबसे पहले थेला जोन बनना चाहिए जगह जगह पे थेले लगे हुए इसमें किसी की भी गलती हो मैं तो कह रहा हूँ हमारे लोगों की गलती है भैया सुनो तो सही मैं मान रहा हूँ ना मैं कह रहा हूँ हमारी क्या गलती हो निगम की गलती हो पार्षद तो आपके भी लगातार 5, 10, 15, 8, 9, 7 आई रहे भैया जी सुनो तो सही यार आप नेता प्रतिपक्ष ही नहीं बना पाए बात आप इसकी करते हो हाँ नेता प्रतिपक्ष तो बना लेते आप यूआईटी का सेकंड तो फिर ये भी हमारी बात है जब आप कुछ कर नहीं पा रहे हो मैं आपको क्या कह रहा हूँ आज एक थेला जोन बनना चाहिए भैया जी दो मिनट ठीक है आज उदयपुर के अंदर मैं आपको कह रहा हूँ इनको भी हमारे साथ आना चाहिए हमको भी इनके साथ जाना चाहिए। उदयपुर के अंदर रोटी बैंक की स्थापना करनी चाहिए 10 नहीं 20 नहीं 50 नहीं 100 जगह रोटी बैंक की स्थापना करनी चाहिए ताकि एक भी आदमी हमारे उदयपुर का रहने वाला भूखा नहीं। कलेक्ट्री आईजी ऑफिस एसपी ऑफिस बस स्टैंड ये सारी चीज़ें हैं ये सारी चीज़ें उदयपुर के अंदर है वहाँ पर ट्रैफिक की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है उन सारी जगह जो है उनको
उदयपुर से बाहर कहीं पे ले जाना चाहिए ताकि ट्रैफिक की व्यवस्था हो। दूसरा मैं आपसे ये निवेदन करना चाह रहा हूँ भैया जी, हर जगह कहीं 2.5 फुट का, कहीं 3 फुट का, कहीं 2 फीट का, कहीं 4 फीट का डिवाइडर बना हुआ है। मेरी ये इच्छा है जैसे फतेहपुरा से लगा के आगे आर के चौराहे तक जो एक वो लगा उसकी बात कर दी। मेरा घर है पर वह काम हुआ वो UIT ने कराया और UIT इनकी, मैं उनकी तारीफ कर रहा हूँ। मेरा आपसे ये निवेदन है कि आप 2-2 फुट 3-3 फुट के डिवाइडर है, इनको सबको हटा दिया जाए। इनको हटा के बीच के अंदर जो 4-4 इंच के जो डंडे हैं वो लगाओ, एक डंडा टूटेगा दूसरा डंडा नया लगा देंगे, उससे 1.5-2 फीट आने के लिए, ट्रैफिक को आने के लिए सुविधा मिलेगी। दूसरा, चाहे कांग्रेस का आदमी हो चाहे भारतीय जनता पार्टी का आदमी हो, ओवर ब्रिज के अंदर किसी भी आदमी को रोड़ा नहीं अटकाना चाहिए। कोई आपत्ति ना इनको होनी चाहिए ना हमको होनी चाहिए। आज सालों से बड़ा जो जेल है उस जेल को भी बाहर स्थापित करना चाहिए ताकि यहाँ के लोगों को भैया जी एक मिनट दो मैं जा रहा हूँ। वैसे भी भाई साहब ने बहुत अच्छी बातें बोली कि मैं आने वाले बात में ऐसा सोचता हूँ कि ऐसा करूंगा। हम सवाल ये कर रहे हैं कि आकलन होता है पिछले पे, आने में आप करेंगे बहुत खुशी की बात है अगर आप आएंगे तो। मैं ये कह रहा हूँ कि आपने 20 साल राज करा यहाँ पर विधायक पे तो ये काम नहीं हुए, इसका मतलब ये मानते हैं कि ये कमी है। थैंक यू। अरे भैया 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 मेरा जवाब सुनते जाओ, भैया मेरा जवाब सुनते जाओ। आकलन बहुत, मैं इनकी बात से बिल्कुल स्वीकार करता हूँ, बिल्कुल स्वीकार करता हूँ। हमें भारतीय जनता पार्टी की इस देश में सरकार बने 9 साल हुए, 70 साल राज इन कांग्रेस पार्टियों ने किया। मैं बिल्कुल मानने के लिए तैयार हूँ कि बात उधर से होनी चाहिए, बात उधर से होनी चाहिए। तो आपने इतने सालों में इस भारत के नागरिकों का क्या किया उसका जवाब दो। हमारी 9 साल की गणित आप पूछ रहे हो और आपने इतने साल राज किया वो क्या हुआ? एक बात बताओ, आप बेच रहे हो। अरे कॉमनवेल्थ गेम के अंदर, कॉमनवेल्थ गेम के अंदर इन्होंने इतना घोटाला किया, कोई चारा खा गया, कोई टेलीफोन का तार खा गया, कोई क्या खा गया, कोई लकड़ी खा गया। आप जो भी बेच रहे हो ना वो सब कांग्रेस की देन है, कांग्रेस ने बनाया। आप बेचो, आपकी सरकार है, आपकी लाठी है, आप बेचो डंडा चला के। एक्चुअली मयूर जी बात ये है कि इनका फ्रस्ट्रेट होना स्वाभाविक है। 30 सालों से इन्होंने नगर निगम नहीं देखा, 30 साल अरे 30 साल तक इन्होंने नगर परिषद नहीं देखा, 28 साल से इन्होंने शहर विधायक कांग्रेस का नहीं देखा, 10 साल से इन्होंने सांसद नहीं देखा। सरकार राजस्थान में अगर कांग्रेस की बनती है तो इनका क्या योगदान देता? 40,000 वोटों से हारते हैं ये। मेरी बात को समझो, सरकार बनाने में इनका कोई योगदान नहीं, इन्होंने 30 साल से इनका विधायक नहीं जिताया, ये 30 साल से इनका विधायक नहीं जिता सके। करेंगे मुझे कांग्रेस एक प्रश्न है, ये राष्ट्रीय प्रश्न है, सुनना। फिरोज गांधी की समाधि पे आज तक राहुल गांधी क्यों नहीं गया? इसका जवाब चाहिए मुझे। मैं ये कह रहा हूँ हमें शांति से बात करनी चाहिए और सभ्यता से बात करनी चाहिए। बार बार मैं ये कह रहा हूँ, इस तरह चिल्लाने से कोई अरे पर 100 बात की एक बात, आने वाला वापिस विधायक बीजेपी का, सांसद बीजेपी का, वोट बीजेपी की है। बात स्वीकार कर लो। इतने मुस्कुरा रहे हो, क्या बात है, कौन हो
होना चाहिए विधायक, पहले तो ये बताओ। कोई भी होगा हमारे जनता पार्टी से, जनता पार्टी से संगठन संगठन रहेगा उसको हम वोट देंगे। तो वोट दोगे आप बताए सर, कैसा होना चाहिए शहर का विधायक? जो काम करेगा वैसा होना चाहिए विधायक। एक नाम? गिरिजा व्यास, डॉक्टर गिरिजा व्यास जी। पर उम्र के उस पड़ाव पर हैं कि आप सक्रिय राजनीति में ना हो? मोदी जी से तो बराबर ही हैं। देखो शारीरिक संतुलन चलने में सक्षम होता है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। मैं बात नहीं काट रहा हूं, उम्मीदवार है इनका जगह दे रहा हूं। चुनाव लड़ते हैं तो जीत के लिए आश्वस्त है कांग्रेस? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए ठीक है, अरे इसका जवाब मैं दे रहा हूँ। हाँ बोलो, हाँ बोलो। 17 साल तक ब्रॉड गेज पे चुनाव लड़ती गई, ब्रॉड गेज 17 उसके हारने के बाद में आई है यहाँ। वो भी गुलाब जिला, वो भी गुलाब जिला है, विधायक जिला जिला है। जो कांग्रेस के मित्र कह रहे हैं गुलाबचंद कटारिया ने कुछ काम नहीं किया, मोहनलाल सुखाड़े के बाद मानसी वाकल का पानी अगर कोई लाया तो गुलाबचंद कटारिया ले गया। कोई भी कांग्रेस का नेता लाया हो तो बता दो। अरे मेरी बात सुनो, अगर उदयपुर सुंदर नहीं होता तो पूरे विश्व में पहले नंबर पे यूं आ गया क्या? तो गुलाब जी ने कुछ ना कुछ तो काम तो किया होगा ना। और दूसरी बात, मेरी बात सुनो, मैं किसी पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं हूँ, एक आम नागरिक के तरीके से बात कर रहा हूँ। विधायक बीजेपी का चाहिए, क्यों? कि आएगा तो मोदी, ये बात तय है। तो पैसा, अगर बीजेपी का विधायक होगा तभी तो पैसा पास होगा, तभी तो टूरिज्म पे और हर चीज पे। विधायक से मोदी नहीं चुना जाता है, आपको ज्ञान ही नहीं है। देखो आपको ज्ञान नहीं है, और आप भाई साहब, हमारे भाई साहब अतुल जी भाई साहब जो बता रहे थे कि 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया, जिस शिक्षा नीति से गुलाब जी पास हुए, जिस शिक्षा नीति से जिस विश्वविद्यालय महाविद्यालय में मोदी जी पढ़े वो कांग्रेस की देन है। तुम जो आप इतना बोल रहे हो ना, तुम इतना जो बोल रहे हो ये हमारी देन है, हमने शिक्षा नीति लाए। मेरा पति भी बीजेपी से ओतप्रोत थे, ये बीजेपी विचारधारा के थे, पता नहीं किसी भ्रम में आके वापसी हो गई, घर वापसी हो गई, सही जगह आए। इन भ्रष्टाचारों से भाजपा के भ्रष्टाचारों के काम देख रहे हैं। पता है सर कैसा होना चाहिए शहर का विधायक? शहर का विधायक किसानों का हित करने वाला होना चाहिए। ये कांग्रेस सरकार है, झूठली सरकार है, इसने किसानों का ऋण माफ करने का उद्घोषणा की थी, वो नहीं कर पाई। ये फेल सरकार है, इसको कभी भी नहीं लाना, हम तो ये चाहते हैं कि जो ऐसा विधायक आए जो उदयपुर का विकास करे। जो लोग बाहर की जो बातें कर रहे हैं उससे हमारे का कोई भला होने वाला नहीं है। हम तो चाहते हैं पूरा राजस्थान के अंदर बीजेपी की लहर है और बीजेपी की सरकार आएगी, बीजेपी की सरकार आएगी। आप बताओ भाई साहब कैसा विधायक चाहिए आपको? बीजेपी है, बीजेपी जारी, बीजेपी जारी है। तो फिर विधायक का नाम तो बता दो। बीजेपी जारी, बीजेपी कांग्रेस वांग्रेस ये ही नहीं, बीजेपी जारी, बीजेपी सी है, बीजेपी। चलो ठीक, अतुल जी चंडालिया, अतुल जी चंडालिया हमारा विधायक है। चलिए आप बताएं सर कैसा उम्मीदवार चाहते हैं? मैं कहना चाहता हूं कि चुनाव जो होना चाहिए वो बराबर का होना चाहिए। एक लड़ाई जो लड़ाई होती है ना मुद्दे की, उस मुद्दे पे लड़ाई होनी चाहिए, चाहे बीजेपी आए चाहे कांग्रेस आए, जो हिंदू यानी सभी का काम करे, सभी का काम होना चाहिए। आप बताएं सर। मैं पूर्व पार्षद हूँ वार्ड नंबर 7 से, और मैंने निर्दलीय चुनाव जीता था, उसके बावजूद निर्दलीय चुनाव जीता था। जो हमारे अभी भाई कह रहे थे कि उस वार्ड में 57 लाख का काम हो गया, मेरे वार्ड में छोड़ के मैंने आसपास वार्डों में पीछे पड़ के 80 लाख रुपए के काम गुलाबचंद जी कटारिया से करवाए। ये क्या एबिलिटी होनी चाहिए? ये एक दूसरे पे आरोप, एक दूसरे पे आरोप करने से कोई काम पास नहीं होता है। वहां जाके खपाना पड़ता है और काम लाके काम करवाना पड़ता है। ऐसा बंदा चाहिए जो अभी वार्ड नंबर 1 में पिछले पार्षद साहब थे हमारा अतुल जी चंडालिया, 35 करोड़ रुपए के काम सेंक्शन करवा के लाए, तो उदयपुर के लिए वो क्या कर सकते हैं? ऐसा आदमी चाहिए हमें जो विकास कराए उदयपुर के लिए। आप किसका नाम सुझाते हैं? अतुल जी चंडालिया, अतुल जी चंडालिया का। आप बताएं सर कैसा होना चाहिए शहर का विधायक? शहर का विधायक एक साधारण और बढ़िया और शहर वासियों का ध्यान रखने वाला होना चाहिए। ये यूं नहीं होना चाहिए कि मणिपुर में जो हुआ वो हादसा नहीं होना चाहिए। जो मणिपुर का हादसा हुआ उसमें हमारे मोदी जी ने चुपचाप होकर बैठ गए और बोला शर्मनाक बात है, शर्मनाक बात नहीं है, उसके लिए क्या नाम है, अशोक गहलोत वालों नहीं है, उसके लिए इनको चाहिए कि जिन आदमी ने दुष्कर्म करा उनको गोली मार दी जाए।
है, ये हमारा निर्णय है। भीलवाड़ा में गोली मारी की मारी? आप बताए भाई साहब, कैसा विधायक चाहते हैं? भाई साहब देखो, विधायक तो हमारे राजीव जी सुवाल का है जी, और उनको ही टिकट मिलेगा। और नंबर दो, राजस्थान में कांग्रेस की ही सरकार बनेगी। ये तो हम तो करते रहते हैं आपस में, देखो परिवार एक परिवार जैसे रहते हैं। राजीव जी सुवाल का जैसा दावेदार प्रत्याशी चाहते हैं? बिल्कुल 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 101%। और राजस्थान में सरकार कांग्रेस की ही बनेगी, कांग्रेस जिंदाबाद। आप बताएं सर, कैसा उम्मीदवार आप चाहते हैं शहर से? कौन होना चाहिए उम्मीदवार, कौन विधायक होना चाहिए? देखो मैं उदयपुर के नहीं बोलता हूँ, परंतु एक बात बताता हूँ, इस वक्त के मेरे बच्चे के तान की बीमारी है, और एक 2008 के पहले जो गोलियां के पैसे लगते थे हॉस्पिटल में, बाहर दवाइयां मिलती थी, अशोक जी गहलोत जी आए, उसके बाद में दवाइयां इंजेक्शन हर जी ने फ्री कर दी इन्होंने। आज वो मैं आज बहुत आभारी हूँ अशोक गहलोत साहब का। आज वो गहलोत साहब जैसा मैं बीजेपी का नहीं, मैं कांग्रेस का भी नहीं हूँ, पर तो किसके हो आप? मैंने बीजेपी का नहीं, कांग्रेस का हूँ। वोट किसको देते हो? कान बता दो मेरे। अरे कान नहीं, कांग्रेस को। परंतु एक बात हूँ, बात बताऊं, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो 2008 के पहले दवाइयों के पैसे लगते थे, लोग खेत गिरी रखते थे, ये इनके आने बाद में दवाई फ्री कर दी, इंजेक्शन फ्री कर दिए। लेकिन वोट करने दो ना, मैं वोट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक नेता का बात रहा हूँ। गहलोत साहब एक बड़े नेता है, गहलोत साहब अच्छे नेता है। शर्म आनी चाहिए राजस्थान के अंदर, उदयपुर यूआईटी के चेयरमैन नहीं छूट सके, नगर निगम के अंदर प्रतिभा नेता नहीं छूट सके, शर्म आनी चाहिए इनको। आदमी नहीं है इनके पास, आदमी ही है। अरे पर इनका योगदान क्या है जो इनको चेयरमैन बनाएंगे? ये 30 साल इन्होंने क्या दी दिया कांग्रेस को? एक विधायक सांसद बोर्ड कुछ भी नहीं, ये जीरो है। गहलोत साहब की नजर में उदयपुर कांग्रेस जीरो है, क्यों? इनका कोई योगदान नहीं, हमारा नहीं होते हुए भी विकास हो रहा है, लोगों का 0%। आपको कुछ समझ में? एक बार बताओ, युवा मोर्चा का जिला अध्यक्ष है क्या? है भाई साहब, बिल्कुल है। आपको अभी कार्यवाहक जिला अध्यक्ष बनाया है? युवा मोर्चा का हर कार्यकर्ता जिला अध्यक्ष है, हर कार्यकर्ता जिला अध्यक्ष है। पार्टी युवा मोर्चा का जिला अध्यक्ष कोई पद नहीं, एक दायित्व है, और मैं कह रहा हूँ कि हर कार्यकर्ता जो युवा मोर्चा जुड़ा हुआ है वो जिला अध्यक्ष है। जिला अध्यक्ष है, बिल्कुल सर। चलिए ठीक है, आप बताओ भाई साहब। मैं तो सर यही कहना चाहूंगा, जो सरकार कोई भी हो, भले गुलाब जी हो या भाजपा हो या कांग्रेस हो, जो भी यहाँ हो रहा है, पेट्रोल के दाम बढ़े हुए, जो गरीब बेचारे परेशान हो रहे हैं, ठीक है, ये पेट्रोल 109 रुपए कहाँ 170 रुपए लीटर था, अभी कौन केंद्र बढ़ा रही है? गहलोत सरकार बढ़ा रही है, गहलोत सरकार बढ़ा रही है ये, ठीक है। जब मेरी बात सुनो, बोलूंगा, बोल रहा हूँ मैं तो, ये पेट्रोल के दाम बढ़ा रहे, हर एक चीज के दाम बढ़ा दिए। मेरे को ये बताओ, अभी तक किसी चीज का दाम कम है तो बता दो। टमाटर 200 रुपए किलो कर दिए थे, इसने क्या कर लिया था? अब हुए गरीब ने भी खाए थे। पहले मेरे को एक बार बताओ, जब 10 रुपए किलो टमाटर देते तो तुमने क्या 4-4 किलो खाते थे? मैं 50 किलो खाता था, 50 किलो खाता हूँ। मेरी बात सुनो, 25 रोटी रोज की खाता हूँ, जब इतना मोटा हूँ, बीजेपी के चक्कर में खा रहा हूँ, मोटा कर रही है बीजेपी, और क्या करूंगा। कांग्रेस ने बोला था कि 500 रुपए में टंकी देंगे, तो वो सबके लिए होना चाहिए, ठीक है। अभी भी 1100 रुपए में टंकी दे रहा है, और कोई ये बड़ी बात नहीं है कि 200 रुपए अकाउंट में आ रहे। मेरे मम्मी भी विधवा है, ठीक है, मेरे आसपास में बहुत गरीब रहते हैं, जिनके घर में चूल्हे लगाते हो, उनके घर में 1100 रुपए में टंकी ला रहे, कहाँ कम हुई 500 रुपए? मेरे को ये बता दो, कांग्रेस सरकार मोबाइल बांटने से कांग्रेस सरकार बड़ी नहीं होगी, ना बीजेपी सरकार बड़ी होगी, मोबाइल सरकार आएगी नहीं, ये बस यही बात है। महिलाओं पे अत्याचार बहुत बड़ा है राजस्थान, भैया एक मिनट, राजस्थान में महिलाओं पे अत्याचार बढ़ा है, गैंग रेप बहुत ज्यादा हुए गहलोत सरकार के आने के बाद। ये तो गहलोत कम नहीं हुआ, गहलोत सरकार के आने के बाद ही हो गए। गहलोत सरकार के बाद क्या भाई साहब, लगा कांग्रेस में वाजिब सवाल है यार।
महिलाओं पे अत्याचार। अजीब सवाल है, जवाब दो यार भाई साहब। यार मेरा प्रश्न है, जवाब दो भाई साहब। आप प्रश्न क्यों पूछो? मोदी पूछूंगा। आज दो दिन से पेट्रोल पंप की हड़ताल क्यों है, ये गहलोत साहब से पूछो। ये यहाँ से 120 किलोमीटर जाओ रतनपुर, वहाँ 12 रुपए कम। हरियाणा में जाओ तो 12 रुपए कम, एमपी में जाओ तो 12 रुपए कम। बचाने के चक्कर में रतनपुर तेल भराएंगे। हाँ तो गहलोत साहब कोरोना काल में 3 बार 8-8 रुपए क्यों बढ़ाए? अरे तो फ्री में सामान चाहिए ना। अरे 200 रुपए का किट दे के, एक 50 जनों को 200 रुपए की किट दे के हजारों आदमी के हजारों लीटर के पैसे ले रहे हो आप। शर्म नहीं आ रही आपको? सही बात है, शर्म नहीं आ रही आपको? भाई मैं तो ये कहना चाहता हूँ, अगर आप भाइयों को शर्म आ रही हो तो आप में से लेना उसका बहिष्कार करो, मत लो। आप में से कितने नहीं ले रहे हो? आप तिरंगे भी ले रहे हो भी नहीं ले रहे हो? हाँ खाली बातें करने। एक मिनट भैया, हमारे राजस्थान में 12 रुपए लीटर पेट्रोल महंगा है, मान रहे, स्वीकार कर रहे हैं, हो सकता है। आपके पास 1200 करोड़ रुपए अगर पड़े थे फ्री में मोबाइल बांटने के लिए, तो इस जनता को पेट्रोल से वेट खत्म करके राहत दे देते ना, वैसे ही आपकी तबाही हो जाती। ये जुमले बांट के फ्री के मोबाइल आप देंगे। अडानी जी को क्या कम दिया क्या? अडानी जी को कम दिया क्या? महिला पहलवानों को कम कोसा क्या? महिला पहलवानों को कम कोसा क्या? आज पेट्रोल प्रति बैरल कितना, पेट्रोल प्रति बैरल कितना? मयूर साहब 10,000 करोड़ रुपए का ठेका निकलता है राजस्थान में या भारत में कहीं भी, मैं और हिदायत भी जाके ले सकते हैं क्या? नहीं। क्यों अडानी अंबानी वो सक्षम है? देखो बात को स्वीकार करो, ये कुछ भी कर सकते हैं। अरे 2G घोटाला 73,000 करोड़ का, मतलब मैं कह रहा हूँ कि उसमें कितने जीरो लगते हैं हमें तो ये भी पता नहीं। वो आपकी कांग्रेस की पार्टी का अचीवमेंट, आपका कॉमनवेल्थ। आप बोलो क्या चाहते हो आप? मैं तो ये चाहती हूँ कि मोदी जी को हटाया जाए, क्योंकि उन्होंने देश को बेचा, रेलवे को बेचा, हवाई अड्डे को बेचा, सबके ताले लगा दिए और भाव बढ़ा दिए, अडानी और अंबानी को बेच दिए सारे। हाँ ताले लग रहे हैं, कई हवाई जहाज बंद कर दिए। अरे अशोक जी गहलोत ने क्या किया? जिस समय कोरोना काल था और उस समय उनको लग रहा था कि हमारी सत्ता हमारे हाथ से चली जाएगी, कोरोना के समय में जनता त्राही त्राही कर रही थी, उस समय इसी उदयपुर में कांग्रेस के विधायकों को अलग अलग होटलों में बंद कर करके और अपने विधायकों को बंद कर करके अपने राज को बचाना चाह रहे थे, और जिस समय जनता त्राही त्राही कर रही थी, इधर जनता मर रही थी, उस समय अशोक गहलोत कहाँ गया? चुनाव से पहले युवाओं के साथ में वादा किया था। आपकी बात समझ गया मैं, युवा के साथ वादा किया, वादा किया। आंटी जी की पूरी बात समझ चुका हूँ मैं। ऑक्सीजन के लिए खराब नहीं है। उन्होंने जब युवाओं के साथ वादा किया कि हम 3,000 रुपए उनको बेरोजगारी भत्ता देंगे, किसको दिया? अशोक जी आपने भत्ता किसको दिया? आंटी जी पूछ रहे हैं, आप बताओ चैनल के माध्यम से इनको। क्या कर रहे अशोक गहलोत जी ने बताओ? आपने कहा बिजली फ्री करोगे, क्या हुआ अशोक जी बताओ? अभिनंदन भारत में गोल्ड मेडल लेके आया, उसके बाद ही पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक हुई, किसी प्रधानमंत्री भी तो गोल्ड मेडल आज मोदी जी जिम्मेदार है उसके। इन्होंने स्पोर्ट्स को बढ़ावा दिया। यार भाई साहब कैसी बातें करते हैं? अरे वो इंदिरा गांधी शेर नहीं थी, बात सुनो, सर्जिकल स्ट्राइक हुई क्या पाकिस्तान में मोदी जी के आने के बाद हुई है? क्या बात कर रहे हो आप? यहाँ जो लोग पाकिस्तान के दो टुकड़े इंदिरा गांधी ने किए, इंदिरा गांधी शेर थी, पाकिस्तान के दो टुकड़े किए। शेर नहीं होता है, शेर नहीं होता है। इंदिरा गांधी शेर नहीं थी, उसने पाकिस्तान के दो टुकड़े किए। इंदिरा गांधी के लिए एक छोटी सी बात, मोहनलाल जी सुखाड़िया जब मुख्यमंत्री थे, इंदिरा गांधी वही इंदिरा गांधी थी जो बड़ी सादड़ी से 13 टरक सोना हमारा यहाँ का लेके लंदन लेके गई, उसका हिसाब बड़ी सादड़ी का 13 टरक सोना बाकायदा मिलिट्री लगा के लेके गई, उसका हिसाब का है। कल देश का
सैनिक शहीद हुए भाई साहब, कल देश के मैं कह रहा हूँ कि कल देश के सैनिक शहीद हुए, किसी एक कांग्रेस ने शहीद श्रद्धांजलि दी हो अपनी ओर से तो बताओ मुझे। चलिए तो कौन सब बोले दीदी, अतरों का तो बोलो आप, युवाओं के साथ क्या किया? हाँ, एक सेकंड इन आंटी जी को सब ध्यान से सुनेंगे। हाँ। एक बार रिक्वेस्ट है, बहुत देर से परेशान हो रहे हैं, आंटी बताओ युवाओं के साथ में क्या किया? हाँ, जिस तरह से उन्होंने एजुप एग्जाम के लिए लोन लिया, कर्ज लिया, एग्जाम देने गए, पेपर दे के बाहर नहीं निकले, और उनके बाद सुनने में आता है कि पेपर लीक हो गया। एक बार दो बार नहीं, 17 बार अभी तक कहाँ हुआ? 17 बार जो एग्जाम दी रहे वो सारे पेपर लीक, जितने पेपर दिए वो सारे लीक हुए। किस युवा को आपने सर्विस दी? कितने युवाओं को आपने सर्विस दे दी? कितने युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दे दिया? महिलाओं के साथ में क्या किया? छोटी छोटी बच्चियों को साथ बलात्कार करके और उनको मार मार करके और भट्टियों में जला देते हो। कहाँ गई आपकी कांग्रेस सरकार? कांग्रेस नहीं जलाती है तो आपकी प्रशासन क्या करती है? आप इसका जवाब आप दो, एक सेकंड, इनका जवाब ये आंटी जी देंगे, आप बताओ। अरे हमें तो शर्म आती है कि मोदी जी ने इतना राज्य सरकार की बात हो रही है, मोदी जी राजस्थान की बात बताओ, राजस्थान की जनता दरबार का यही समापन करते हैं। और आपने देखा कि तूतू मेवे अपने चरम पर है, कांग्रेस बीजेपी का लफड़ा यहाँ भी भारी है। कल फिर मुलाकात होगी आपसे किसी और चौराहे पर। बादी, 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 बादी।